हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्लेसिफाई। आज की इस वीडियो में हम बॉलीवुड के दो बड़े एक्टर्स सलमान खान और शाहरुख खान का कंपैरिजन करने वाले हैं। अगर इन दोनों के पर्सनल लाइफ की बात करें तो सलमान खान का जन्म 27 दिसंबर 1965 में मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। सलमान खान का असली नाम अब्दुल राशिद सलीम सलमान खान है। सलमान अपने जमाने के मशहूर राइटर रहे सलीम खान और उनकी पहली पत्नी सुशीला चरक के बड़े बेटे हैं। सलमान को दो छोटे भाई अरबाज और सोहेल खान के साथ दो छोटी बहनें भी हैं, जिनका नाम अलविरा और अर्पिता है। सलमान खान के जीवन में अभी तक कई सारी लड़कियां आई, लेकिन उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है। वही शाहरुख खान का जन्म 2 नवंबर 1965 में न्यू दिल्ली में हुआ था। उनके पिता का नाम ताज मोहम्मद खान था, वही उनके मां का नाम लतीफ फातिमा खान था। शाहरुख को एक बड़ी बहन भी है जिसका नाम शहनाज लाला रुख खान है। अपने बचपन के दिनों में शाहरुख अपने फैमिली के साथ न्यू दिल्ली के राजेंद्र नगर एरिया में एक किराए के कमरे में रहते थे। अपने माता पिता के देहांत के बाद शाहरुख एक्टर बनने के लिए मुंबई शिफ्ट हो गए। शाहरुख ने 25 अक्टूबर 1991 में गौरी चिब्बर के साथ शादी की और आज उनके 3 बच्चे भी हैं। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो सलमान खान ने अपनी शुरुआती पढ़ाई ग्वालियर के सिंधिया स्कूल से की। बाद में 12th के बाद उन्होंने मुंबई के सेंट जेवियर कॉलेज से कुछ समय तक पढ़ाई की, लेकिन उनको बचपन के दिनों से ही एक्टिंग का काफी ज्यादा शौक था, इसलिए उन्होंने पढ़ाई को बीच में छोड़कर एक्टिंग पर फोकस करना स्टार्ट किया। वही शाहरुख खान ने अपनी प्राथमिक शिक्षा सेंट्रल दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल से की। शाहरुख पढ़ाई में तो ठीक ठाक थे ही, साथ ही उनको फुटबॉल और हॉकी खेलने का भी काफी ज्यादा शौक था। 1985 में शाहरुख ने न्यू दिल्ली के हंसराज कॉलेज में एडमिशन लिया और इकोनॉमिक्स में बैचलर्स डिग्री हासिल की। बैचलर डिग्री के बाद शाहरुख खान ने मास कम्युनिकेशन में मास्टर डिग्री के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, लेकिन कुछ ही महीनों में उन्होंने ये कॉलेज छोड़ के अपने एक्टिंग करियर पे फोकस करने के लिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लिया। चलिए दोस्तों, अब इन दोनों के करियर के बारे में जान लेते हैं। सलमान खान ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1988 में आई एक फिल्म बीवी हो तो ऐसे से की थी, जिसमें उनको सपोर्टिंग एक्टर का रोल मिला था। फिर 1989 में आई फिल्म मैंने प्यार किया में उनको लीड एक्टर का रोल मिला। उस टाइम पे यह फिल्म भारत की सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई। उसके बाद सलमान ने साजन, अंदाज अपना अपना, प्यार किया तो डरना क्या, बीवी नंबर वन, हम आपके है कौन, दबंग, बजरंगी भाईजान और सुल्तान जैसी कई सारे हिट फिल्मों में काम किया। सलमान खान दो प्रोडक्शन हाउस के मालिक भी है, जिसका नाम सलमान खान फिल्म्स और बीइंग ह्यूमन प्रोडक्शन है। साथ ही सन 2007 से वो बीइंग ह्यूमन नाम का चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन भी चला रहे हैं। वही शाहरुख खान ने अपने करियर की शुरुआत लेक टंडन की टीवी सीरीज दिल दरिया से की थी। उसके बाद उन्होंने कई सारे टीवी सीरीज जैसे कि फौजी, सर्कस, वागले की दुनिया में भी काम किया और तब शाहरुख खान के काम को देख के उनको कई सारे फिल्मों के ऑफर्स आने लगे। 1992 में आई फिल्म दीवाना शाहरुख खान की डेब्यू फिल्म बनी। उसी साल उन्होंने चमत्कार, राजू बन गया जेंटलमैन और दिल आशना है में भी काम किया। दोस्तों, वो एक ऐसा दौर था जब कोई भी फिल्म में विलन का रोल करना पसंद नहीं करता था, लेकिन शाहरुख खान ने डर और बाजीगर में विलन का रोल किया और लोगों को उनकी एक्टिंग काफी ज्यादा पसंद भी आई। और फिर करण अर्जुन से लेके दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कभी खुशी कभी गम, देवदास, कल हो ना हो, चक दे इंडिया, माय नेम इज खान और चेन्नई एक्सप्रेस जैसी कई सारे हिट फिल्मों में शाहरुख ने काम किया। शाहरुख खान एक्टर होने के साथ ही एक बिजनेसमैन भी है। वे रेड चिलीज एंटरटेनमेंट कंपनी के मालिक है और आईपीएल की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के ओनर भी है। दोस्तों, अगर नेटवर्थ की बात करें तो आज 2019 में सलमान का एस्टिमेटेड नेटवर्थ $310 मिलियन है।
बता दें सलमान एक मूवी में काम करने के लिए करीब करीब 55 से 60 करोड़ रुपए लेते हैं। सलमान की 2015 में रिलीज हुई फिल्म बजरंगी भाईजान अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है, जिसने वर्ल्ड वाइड 969.06 करोड़ की कमाई की थी। वही शाहरुख का एस्टिमेटेड नेटवर्थ 760 मिलियन डॉलर्स है और शाहरुख खान एक मूवी का 60 करोड़ रुपए लेते हैं। चेन्नई एक्सप्रेस शाहरुख खान की आज तक की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है, जिसने वर्ल्ड वाइड 423 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। अगर इन दोनों के रेसिडेंस की बात करें तो सलमान और शाहरुख दोनों भी मुंबई के बांद्रा एरिया में रहते हैं। सलमान खान पिछले 40 सालों से मुंबई के बैंडस्टैंड एरिया में स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट में रहते हैं। यह घर उनके फादर सलीम खान ने उनके पैसों से लिया था और सलमान का मानना है कि यह घर उनके लिए काफी ज्यादा लकी है। इसके अलावा सलमान के मुंबई के आसपास के एरिया में खुद के फ्लैट्स और फार्म हाउस भी है। वही 26,328 स्क्वायर फीट में फैला शाहरुख खान का मन्नत बंगलो भी बांद्रा के बैंडस्टैंड एरिया में स्थित है। यह बंगलो शाहरुख खान ने एक पारसी व्यक्ति से 1995 में 15 करोड़ में खरीदा था और आज इस बंगलो की कीमत करीब करीब 200 करोड़ रुपए है। अगर नंबर ऑफ फिल्म्स की बात करें तो सलमान खान ने 1988 से 2019 तक 117 फिल्मों में काम किया है। इसके अलावा सलमान ने बिग बॉस, 10 का दम जैसे टीवी शोज में एंकर की भूमिका भी निभाई है। वही शाहरुख खान अभी तक 89 बॉलीवुड मूवीज में काम कर चुके हैं और करियर की शुरुआत में उन्होंने कई सारे टीवी शोज में भी काम किया है। शाहरुख ने 2007 में कौन बनेगा करोड़पति पे एज अ होस्ट भी काम किया है। चलिए दोस्तों, आखिर में इन दोनों एक्टर्स के अपकमिंग फिल्मों की बात करते हैं। सलमान खान की अपकमिंग फिल्म दबंग 3 जो कि अगले महीने में रिलीज होने वाली है। वही प्रभुदेवा डायरेक्टेड मूवी राधे मई 2020 में रिलीज होने वाली है। वही शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्मों में सल्यूट, डॉन 3 और ऑपरेशन खुकरी शामिल है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आपका पसंदीदा एक्टर कौन है, सलमान खान या फिर शाहरुख खान, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। क्वेश्चन ऑफ द वीडियो में आपके लिए आज का क्वेश्चन है कि सलमान खान का जन्म कहाँ हुआ था। अगर आपने यह वीडियो ठीक से देखा होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दे पाओगे। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही कंपैरिजन वीडियोस देखना पसंद करते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में। हमारा यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।